गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। मायसेल्फ केशव शर्मा, आर एन द टीचर फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रोनाउन सर्वनाम के बारे में पूरा डिटेल के साथ आपको समझा दिया था। आज हम आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आए हैं, लिंग, जिसे जेंडर भी कहते हैं अपने इंग्लिश भाषा के अंदर। तो आइए आज हम जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, लिंग। एक सेकेंड, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक परिभाषा से, ठीक है। तो ये जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उनका आप डेली होमवर्क करें और उनको होमवर्क को शेयर भी करते रहें। तो जो भी आपको अभी तक टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे अभी सरनाम का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसका टोटल होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको मैंने संज्ञा नाउन की भी पूरी कंप्लीट करवा दिया है, वो भी आपका कंप्लीट हो गए आ जाना चाहिए तब तक। कुछ बच्चे हैं अभी तक एक्टिव नहीं है, जो बच्चे एक्टिव नहीं है वो जल्दी से जल्दी एक्टिव हों, क्योंकि इस बार आपकी जो बोर्ड एग्जाम है लगनी है और समय पे ही लगनी है। जो भी, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, समय बर्बाद ना करते, पहले इसके देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष या पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो। तो क्या बोला है इसके डेफिनेशन में, कि शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, मतलब पुरुष या स्त्री होने का ज्ञान हो कि भाई ये स्त्री है या पुरुष है, तो उसे लिंग कहते हैं। आइए इसके पार्ट्स के बारे में भी देखते हैं। तो हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं हिंदी भाषा के अंदर लिंग दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग, ठीक है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग में आते हैं राम है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, रमेश है, महेश है, मुकेश है, कोई भी है, मतलब कि जो मेल पर्सन हो, जो भी आदमी व्यक्ति हो वो मेल पर्सन होना चाहिए, तो वह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने। अगला है आपका स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत फीमेलियन पर्सन होना चाहिए, कोई भी लेडीज पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सीता, रीता, शेरनी, मोरनी, हिरनी, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग को फीमेलियन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे है अपने एग्जाम्पल के बाद में फिर आपको इनकी डेफिनेशन देखते हैं, कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स। पुल्लिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, आइए देखते हैं। जो कि ये पुल्लिंग लिखा हुआ है, इसके शब्द से ही मालूम चल जाता है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के पुरुष होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष होने का बोध हो या ज्ञान हो, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें आपको मैंने ऊपर दे दिए, जैसे हाथी, राम, रमेश, घोड़ा, महेश, मुकेश, जो भी आपको मेल पर्सन होना चाहिए, जेंट्स पर्सन, ठीक है। अगला आपका स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं हम। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री होने का बोध हो, तो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग की डेफिनेशन के बाद में इसके भी एग्जांपल मैंने आपको ऊपर कर दिए थे। आगे देखते हैं, इनमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके रूल्स की पहचान करते हैं, देखते हैं। तो लिंग पहचान के, लिंग पहचान में उसको परिवर्तन, मतलब बदलने के कुछ नियम हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम। जैसे जिन शब्दों के अंत में ए, आ और पन शब्द हो, तो वे शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। आपको मैंने सामने लिखा हुआ है कि जिन शब्दों के अंत में ए आया पन शब्द हो, अंत में, शब्द के अंत में होने चाहिए ये शब्द, तो वे शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। उदाहरण भी देख लेते हैं। तो जैसे बुढ़ापा, यहाँ पे पा शब्द आ चुका है, ठीक है। बचपन, यहाँ पे पन शब्द आ चुका है। और खाना, यहाँ पे आवर्ण का उच्चारण हो रहा है, तो खाना आ, ठीक है, आवर्ण का उच्चारण हो रहा है, तो ये आपके एक रूल था। अगला है इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे देखते हैं कि जटा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, माला, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, जरा, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, अगला एक और एग्जाम्पल है स्त्रीलिंग के लिए। जिन शब्दों के अंत में ई, या, बट, हट शब्द हो, ये चार तरह के शब्द हैं, ई, या, बट और हट, यदि नहीं दिख रहे हो तो मैंने बोल दिए हैं आपके लिए, ई, या, बट और हट शब्द हो, वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, शब्द के अंत में होने चाहिए ये चार शब्द, ई, या, बट और हट, सभी को सुनने में आ गया होगा। तो ये चार शब्द यदि शब्द के अंत में है तो वे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। आइए एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। जैसे कि लड़की,
यहाँ पे बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है, ये जो ई है इसका उच्चारण हो रहा है यहाँ पे लड़की, ठीक है। अगला है आपका कुटिया, ई शब्द का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कुटिया हो गया। अगला है मिलावट, यहाँ पे बट शब्द का उच्चारण हो गया। एक है आपका घबराहट, यहाँ पे हट शब्द का उच्चारण हो चुका। आइए कुछ अपवाद और देख लेते हैं इसके, कि अपवाद क्या है। जैसे मोती, ये पुल्लिंग शब्द हैं, पानी, घी, ऐसे ये कुछ आपके पुल्लिंग शब्द हैं। तो आज आपको जेंडर के बारे में हमने आपको बताया है, इसके कल कुछ रूल्स और बताएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।